बड़ा बनना है तो आज से ही यह एक आदत को गायब कर दो। चलो आइए इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त जीव महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। आपको बहुत बड़ा बनना है तो आपको एक आदत अपने जहन में से निकालनी पड़ेगी, और वो आदत ऐसी है कि अपनी जो अंतरात्मा है, अपना जो अंतर्मन है, उसकी जो आवाज है वो सुनने की आदत हमको जो है उसको टालना पड़ेगा। क्या होता है कि हम कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं या कोई तय करते हैं, और फिर हमारे दिमाग में ये आता है कि नहीं अभी मैं ये बाद में करूँगा। ये हमको बुरी आदत ही है कि भाई कल करेंगे। इसको हम बोलते हैं क्रॉनिक टुमारो सिंड्रोम या प्रोक्रास्टिनेशन सिंड्रोम। प्रोक्रास्टिनेशन इसका मतलब होता है कि कल करेंगे या आगे ढकेल देंगे। क्या होता है कि कोई भी काम हम कल करेंगे ऐसा बोलते हैं, इसका मतलब हम एक्शन में आते नहीं हैं, और एक्शन नहीं है तो आपको आपका परफॉर्मेंस नहीं होगा, परफॉर्मेंस नहीं तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। इसलिए जो है कल करेंगे या जो अंतर की आत्मा, आत्मा की आवाज है, अंतर्मन की आवाज है, जो मोस्टली ज़्यादातर जो निगेटिव है वो जो है वो हमको उसको हमको थैंक यू बोलना सीखना पड़ेगा, और उसको सुनने की आदत जो है वो आदत को हमको गायब करना पड़ेगा, वो आदत को हमको खत्म करना पड़ेगा। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि हम बोलते हैं कि नहीं अभी मैंने मेरा वजन बहुत बड़ा है और मैं अभी कल से मेरा वजन कम करने के लिए कुछ ना कुछ करने वाला हूँ, या जिम में जाने वाला हूँ या दौड़ने जाने वाला हूँ, और फिर सुबह उठते हैं और सुबह उठने के बाद फिर मन में एक अंदर की आवाज़ आती है या अंतर्मन बोलता है कि आज का दिन जान दो, कल से करेंगे, आज बहुत ठंड है, या कल रात को बहुत लेट सोए थे, या आज दिन भर बहुत काम है, नहीं तो भी वो बाजू वाला मोटा आदमी, वो तो अपना बाजू वाला बहुत जाता था घूमने दौड़ने तभी भी अटैक से गया, वैसा क्या फ़र्क पड़ने वाला है, अटैक मतलब अटैक से बचेंगे या नहीं बचेंगे, क्या मालूम क्या फ़र्क पड़ने वाला है, अटैक आएंगे नहीं आएंगे, क्या आज का दिन नहीं गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा बोल के फिर हम सो जाएंगे। हम ये तय करते हैं कि हम अभी कल से चालू करेंगे। कोई भी काम देखो, आपको धंधा बढ़ाना है, धंधे के बारे में नई एक्शन लेना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, मार्केटिंग करना है, सेल करना है, अकाउंट्स देखना है, कोई भी काम आपके धंधे का हो, रिलेशनशिप में आपका काम हो, किसके साथ में बातचीत करना है, किसको प्रपोज करना है, किसके बारे में कुछ कम्युनिकेशन करना है, अनडिलीवर्ड कम्युनिकेशन करना है, मतलब कुछ भी बातें जो है रिश्ते में जो करना चाहिए, जो हम टालते, किसको मिलने जाना है, बहुत दिन से रिश्तेदारों को मिले नहीं थे, कोई भी काम हो, जो काम आपका है वो आज का काम आज ही करना है। और समझो वो आज काम होता नहीं है, बहुत सारे काम है जो आज 24 घंटे में होने वाले नहीं है, या आपने एक्टिव 8-10 घंटे में होने वाले नहीं है, तो आज से आप एक काम करो कि उसकी लिस्ट बनाना चालू करो, उसको बोलते हैं टू डू लिस्ट। और वो टू डू लिस्ट में नाम जो है काम का, जो नाम आप लिखेंगे उसके सामने वो काम कब करेंगे, उसका तारीख और उसकी उसका टाइम वो लिख डालो, और अपना जमान जो है वो उसको दे दो कि भाई अभी ये जो काम है मैं ये काम ये तारीख को ये समय पे करूँगा और वो काम वो समय पे करना है। होगा क्या, ये आपके इतने सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि हम करते क्या है, हम काम टालते जाते हैं, आगे ढकलते जाते हैं, उसमें एक्चुअली काम होता नहीं है और टाइम पास बहुत होता है और प्रेशर बहुत आता है, तो ये सब दूर करना है। तो ये आपको जो आदत है, आदत कौन सी है, कल करेंगे, या आदत ऐसे आलसीपना करने की या प्रोक्रास्टिनेशन करने की, तो ये आदत को आपको निकालना पड़ेगा। ये आदत आप जब निकाल देंगे बोलेंगे नहीं आज का काम आज ही करेंगे, क्योंकि संत कबीर ने ऐसा कहा था कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्षणमय प्रलय होगा फिर करेगा कब। हम क्या करते आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है यारो, जीना है यहाँ परसों, हम बोलते कल करेंगे। तो ये कल की आदत जो है, कल करने की आदत वो बंद करना पड़ेगा। टाइम फिक्स करना है कि कौन सा काम मैं कब करूँगा, दौड़ने के लिए जाना है मतलब एक्सरसाइज करना है, जिम में जाना है, कोई प्लानिंग करने का है, किसको मिलने जाना है, बैंक में जाने का है, कार का जो लोन है उसका हफ्ता चुकाने का है, मार्केटिंग करने का है, पैसा कोई भी काम हो, पैसा भी ज़्यादा कमाने का है, कोई भी काम हो, वो काम का समय लिस्ट, समय उसके सामने टाइम और डेट वो डालना है और काम करते जाना है। आपको इतना सारा टाइम फ्रीडम मिलेगा, इतना सारा दिमाग को हल्का लगेगा, क्योंकि काम एक के पीछे एक सब खत्म हो जाएंगे, आप खाली भी नहीं बैठेंगे क्योंकि काम बहुत है और टाइम दिया हुआ है, और आपका एक बार काम हो गया तो आपके पास में फ्री टाइम बहुत रहेगा, जो फ्री टाइम में फिर आप एंजॉय कर सकेंगे अपना लाइफ, जो भी चाहते हैं वो आपके लिए फिर संभव होगा। तो आपका आपको बड़ा बनना है तो एक ही आदत
कल करेंगे, ये आदत टालनी पड़ेगी, ये आदत बंद करनी पड़ेगी, इसको नकार देना पड़ेगा और आज का काम आज ही करना है, या उसको टाइम और डेट देने का है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।